वार्म वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं तो किस तरीके से टैक्स सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कंपनी बनाने पे आपको बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है फ्रेंड्स, जो 25% या 30% का टैक्स रेट है उसके अगेंस्ट आपको देना होगा ओनली 15% टैक्स। टोटल इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा आपका 17.16 ओनली। आपको कोई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो कंपनियों को पे करना पड़ता है वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, पर काफ़ी कंपनियों को वो एप्लीकेबल भी नहीं होते हैं। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो प्रावधान है वो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर बहुत बड़ा बेनिफिट आपको टैक्स रेट का मिल रहा है फ्रेंड्स, तो बाकी सब आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी होगी। आप जो भी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं वो 1/10/2019 के बाद बनी होनी चाहिए, और जिसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन 31/3/2024 से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप जो कंपनी बना रहे हैं वो कोई पुरानी कंपनी को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बना सकते। प्लांट एंड मशीनरी भी आपको नहीं लेनी होगी। हालांकि 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड हो सकती है। अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उसी भी नहीं गिनी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो बिल्डिंग यूज़ करने जा रहे हैं वो कोई होटल या कन्वेंशन सेंटर में यूज़ की गई हो, सेक्शन 80 IDs का बेनिफिट लिया हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके अलावा आपको और कोई भी बिजनेस नहीं करना है उस कंपनी के अंदर। हालांकि आप उस जो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं गिनी जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना या माइनिंग का बिजनेस, या फिर जो गैस सिलेंडर होता है उसका बॉटलिंग का बिजनेस, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या सिनेमेटोग्राफी फिल्म बनाना, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में नहीं गिना जाएगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिना जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये जो बेनिफिट आपको टैक्स रेट का मिल रहा है, इसकी वजह से अगर आप टेंटेशन में आके कोई क्लोज कनेक्ट वैसा पर्सन से अगर आप कोई एक्सेसिव प्रॉफिट दिखा रहे हैं आप इस कंपनी में, तो एसेसिंग ऑफिसर रीजनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है और उसी पे टैक्स रेट लगाएगा, ये स्पेशल रेट वाला। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स और बेनिफिट लीजिए 115 BAB का, और पे कीजिए ओनली 17%। थैंक यू फ्रेंड्स।